वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। वेलकम बैक भोंदू। तो कैसे कट रही है यार? ये लगता है कि मुझे कोई कच्चे बनियान के लिए लोन नहीं देगा, और नए कच्चे बनियान का सपना बस सपना ही बन के रह जाएगा। अब यार फटी हुई पहन के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ चोर की लात पड़ती है पिछवाड़े पे। गया था कच्चा बनियान लेने और सूजी लेके आया हूँ। खैर तो यार, सूजी के हलवे के बीच आज का अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं, और आज के अपने इस प्रवचन का नाम है वैरायटी ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। यानी कि तुम लोग कहाँ कहाँ पे कटोरा लेके खड़े हो सकते हो लोन दे दे रे बाबा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि सिंपल है, लोन तो सिर्फ बैंक वाले ही देते हैं, तो यार तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। और भी लोग हैं जो तुमको लोन दे सकते हैं, जैसे कि तुम अपनी फैमिली मेम्बर से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो, बॉस से ले सकते हो, नुक्कड़ पे बैठे मोटे सेठ से ले सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो, या फिर किसी अमीर आदमी से। वैसे यार, इन सब के अलावा गांव में लोग एक और जगह से लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और यहां से लोन लेना काफ़ी सस्ता भी होता है। तो बालकों, ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़ के ये मानव लोग बाकी जहाँ कहीं से भी क्रेडिट यानी लोन लेते हैं, वो सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, ये जो गरीब बेचारा किसान था टोटी, ये गांव के एक मोटे सेठ यानी मनी लेंडर से उधारी पे लोन लेता है। तो ये है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो यार, ये मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से लोन लेना इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। और अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव से लोन लेता है तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। और ये जो बैंक्स होती हैं, इन सभी बैंक्स को आरबीआई मॉनिटर करता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलो आरबीआई के फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन तो यही हुआ कि आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शन ऑफ ऑल फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, यानी आरबीआई बैंक के सारे काम काज पे नज़र गड़ाए बैठा रहता है। सेकंड पॉइंट, आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है कि बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखती है या नहीं, या सारा का सारा पैसा लोन बांटने में उड़ा देती है। और ये मिनिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, ये भी आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। और इस मिनिमम कैश बैलेंस के रेशियो को सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। करंट में सीआरआर है 3%, यानी कि जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उसका 3% पैसा बैंक के पास कैश में गुल्लक में पड़ा होना चाहिए, ताकि कभी अगर कोई इंसान बैंक में अपने पैसे निकालने आ जाए तो बैंक वाले उसको ये ना बोले, पैसे वो तो है नहीं, पैसे चाहिए तो अगले हफ्ते आइयो। तो सबको अपने पैसे मिलने चाहिए जब भी वो पैसे निकालने जाएं। थर्ड पॉइंट, आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सबको लोन दे, ये ना हो कि सिर्फ अमीर लोगों को लोन मिल रहा है और गरीब किसान और स्मॉल बोरोवर को लोन का मिलना तो दूर की बात, बैंक का चौकीदार अंदर भी नहीं घुसने दे रहा है, रास्ता नापियो जरा। तो आरबीआई पीरियोडिकली बैंक से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि किसको किसको बैंक लोन दे रही है, और वो भी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सही सही माने तो आरबीआई सारी बैंक्स का बड़ा पापा है, जो परमानेंट अपने बच्चों पे नज़र लगाए रखता है कि कोई ज़्यादा ऊधम तो नहीं कर रहा। और चलो अब अपना प्रवचन यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो कहीं मेरे ऊपर जूते ना बज जाएं, मार्केट जो जाना है सामान लाने।
बाय बाय।